नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच 16 मार्च अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसे इंग्लैंड की टीम ने बड़ी आसानी से 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। ये मैच शुरू से ही सुर्खियों में रहा, वजह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से सूर्य कुमार यादव को हटाना। सूर्य कुमार यादव ने इससे पहले ही मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और वो मैच में एक गेंद भी नहीं खेल पाए थे। बावजूद इसके उन्हें सीरीज के तीसरे मैच से ड्रॉप कर दिया, जो बहुतों के समझ के परे था। अब सूर्य कुमार यादव को तीसरे T20 मुकाबले से ड्रॉप किए जाने को लेकर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज स्पिनर ग्रेम स्वान ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ग्रेम स्वान के मुताबिक इंडियन टीम की तरफ से ये काफी कठोर फैसला लिया गया। दरअसल स्वान ने सूर्य कुमार यादव के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय टीम टॉप ऑर्डर में केएल राहुल के साथ बने रहना चाहती थी, इस वजह से यादव को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, मैं सूर्य कुमार यादव को लेकर कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपना डेब्यू किया लेकिन बैटिंग का मौका नहीं मिला और इसके बाद अगले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। ये बहुत ही कठोर फैसला था। हालांकि आपको ये भी समझना होगा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वे चाहते हैं कि केएल राहुल और रोहित शर्मा फॉर्म में आए और कुछ रन बनाए। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले के दौरान अपना डेब्यू किया था, हालांकि उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि भारतीय टीम ने आसानी से वो मुकाबला अपने नाम कर लिया था, लेकिन अगले मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। बहरहाल मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से 8 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। T20 सीरीज की बात करें तो इंग्लैंड फिलहाल सीरीज में 2-1 से लीड कर रही है। अगला मैच 18 मार्च को इसी मैदान पर खेला जाएगा, जिसे टीम इंडिया हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि अगर भारतीय टीम ये मैच हार जाती है तो मेजबानों को सीरीज पर से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।